हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज आज तारीख हो चुकी है 14 नवंबर और आईपीएल 2021 को लेकर मेगा ऑक्शन, इसके साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, किंग्स इलेवन पंजाब और आपकी फेवरेट फ्रेंचाइज कौन कौन से बड़े प्लेयर्स को रिलीज करने वाली है, रिटेन करने वाली है। इसके साथ ही आकाश चोपड़ा और गौतम गंभीर के बीच में यहाँ पर काफ़ी बड़ी फाइट हो चुकी है। यही सब बातें आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग उस टीम का नाम बताइए जिसके ऊपर आप लोग रिलीज प्लेयर्स की अगली वीडियो देखना चाहते हैं। जिस भी टीम के कॉमेंट सबसे ज्यादा होते हैं कॉमेंट सेक्शन में, उस टीम के ऊपर हम लोग अपनी रिलीज प्लेयर्स की अगली वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो गाइज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि निकल कर आ रही है मेगा ऑक्शन को लेकर। आईपीएल 2021 में अब 90-95% ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिलने वाला है और सौरव गांगुली बता चुके हैं कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या फिर जनवरी के पहले हफ्ते में हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिलने वाला है। और अब क्योंकि जो न्यूज निकल कर आई थी अहमदाबाद लॉयंस की कि वो 9th टीम होने वाली है आईपीएल की, लेकिन अब जो न्यूज है वो ये है कि 9 नहीं बल्कि 10 फ्रेंचाइज हमें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जो बीसीसीआई है वो नहीं चाह रहा है कि फॉरेन के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पर बेंच पर बैठना पड़ता है। बहुत ही क्वालिटी प्लेयर्स होते हैं इंडिया के भी जिनको बेंच पर बैठना पड़ता है आरटी फ्रेंचाइज होने की वजह से। तो ऐसे में अगर मेगा ऑक्शन होता है तो 2 और फ्रेंचाइज आसानी से बनाई जा सकती हैं। और अब इसके ऊपर राहुल द्रविड़ ने भी अपनी स्टेटमेंट दी है कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि बहुत सारा ऐसा टैलेंट होता है जो कि अननोटिस चले जाता है, बड़े प्लेयर्स के चक्कर में उनको चांस ही नहीं मिल पाता। तो ऐसे में अगर 2 और फ्रेंचाइज यहां पर बना दी जाती हैं तो फिर आईपीएल को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए कि अगर 9 की जगह 10 टीम होती है तो फिर यूपी वॉरियर्स या फिर तेलुगु टाइगर्स, इन दोनों टीमों के बीच में कॉम्पिटिशन है, कौन सी टीम को आप लोग आईपीएल में देखना चाहते हो। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रही है किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से। केएक्सआईपी की टीम ने 10.75 करोड़ रुपए में ग्लेन मैक्सवेल को खरीदा था, लेकिन उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब रहा था क्योंकि यहां पर करीब 100 रन ही वो बना पाए थे। और गाइस अब ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर वीरेंद्र सहवाग ने बहुत यहां पर उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि ग्लेन मैक्सवेल 10 करोड़ रुपए के चीयर लीडर हैं। मतलब हम सबको पता है कि सहवाग यहां पर मजाक उड़ाते रहते हैं सारे प्लेयर्स का, तो उन्होंने मैक्सवेल को नया नाम दिया है कि वो 10 करोड़ के चीयर लीडर हैं और केएक्सआईपी की हार में सबसे बड़े गुनहगार हैं ग्लेन मैक्सवेल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोग वीरेंद्र सहवाग के स्टेटमेंट से सहमत हो या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रही है एबी डिविलियर्स की तरफ से। अब एबी डिविलियर्स के एमआई में ट्रेड होने की खबरें आई थी जिसके बारे में हमने आप लोगों को पूरी डिटेल में कवर करके बताया था कि क्या ये मामला है और किस तरह से एबी डिविलियर्स यहां पर आरसीबी को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। और गाइस अब यूएई छोड़ने से पहले एबी डिविलियर्स ने आरसीबी के बारे में काफी इमोशनल स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि अगर मेगा ऑक्शन हमें देखने को मिलता है आईपीएल 2021 में तो ऑब्वियसली उस टाइम पर हर टीम यहां पर मैक्सिमम 3 ही प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है। तो जस्ट इन केस अगर आरसीबी की टीम उनको रिटेन नहीं भी करती है और अगर ऑक्शन में उनको कोई और टीम पिक कर लेती है तो फिर वो उस टीम की तरफ से नहीं खेलेंगे, यानी कि अगर आरसीबी उनको नहीं पिक करती है अगले साल आईपीएल के लिए तो वो यहां पर किसी भी और फ्रेंचाइज से नहीं खेलेंगे और आईपीएल को वो अलविदा बोल देंगे। तो एबी डिविलियर्स नहीं तैयार है किसी भी और टीम से खेलने के लिए। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से क्या एबी डिविलियर्स का ये डिसीजन सही है या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं चौथी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रही है आकाश चोपड़ा और गौतम गंभीर की तरफ से। गौतम गंभीर को आप लोगों ने देखा होगा काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हुए, कैप्टनसी के ऊपर बड़े बड़े प्लेयर्स के ऊपर काफी बड़े बड़े स्टेटमेंट गौतम गंभीर देते हुए हमें नजर आते हैं। और गौतम गंभीर ने रिसेंटली विराट कोहली की बहुत ज्यादा बुराई की थी। उन्होंने कहा था कि आरसीबी की टीम से इतने साल खेलने के बावजूद भी विराट कोहली उनको एक भी ट्रॉफी नहीं जिता पाए, बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है और विराट कोहली को अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी दिखानी चाहिए और आरसीबी की कैप्टनसी उनको छोड़ देनी चाहिए। अगर वो अपनी कैप्टनसी खुद नहीं छोड़ते हैं तो फिर आरसीबी को उनको कैप्टनसी से निकाल देना चाहिए। और अब इस मामले में आकाश चोपड़ा ने अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर रोहित शर्मा ऑब्वियसली कहीं ज़्यादा बेटर चॉइस हो सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि अगर रोहित शर्मा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के कैप्टन होते तो फिर वो क्या यहाँ पर 5 ट्रॉफी जीत पाते या फिर नहीं, क्योंकि अगर रोहित की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस की टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसे में अगर आप लोग रोहित शर्मा और विराट कोहली की कैप्टनसी को जज कर रहे हो तो फिर आपको उन दोनों के रिस्पेक्टिव टीम्स को भी देखना चाहिए कि उनकी टीम में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। कॉमेंट करके आप लोग बताइए कि इस फाइट में आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि आकाश चोपड़ा सही है या फिर आपको लगता है कि गौतम गंभीर सही है। आगे बढ़ते हैं गाइज
और बात करते हैं पांचवी और आखिरी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रही है क्रुणाल पांड्या को लेकर। अब यूएई से भारत वापस लौटते समय क्रुणाल पांड्या के ऊपर इल्जाम लगाया गया है। उनको दरअसल एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया था जहां पर उनकी जांच हुई थी और उसमें यह पाया गया कि अनडिस्क्लोज्ड वॉचेस और वो सोना उनके पास पाया गया यूएई से वापस आते समय, जो कि काफी ज्यादा अजीब चीज है। और ये बताया जा रहा है कि जो भी सामान इनके पास पाया गया है वो इल्लीगल है और 1 करोड़ रुपए तक की उसकी प्राइस है। तो क्रुणाल पांड्या के पास वो सब यहां पर सामान कहां से आया, वो गोल्ड कहां से आया और वो वॉचेस कहां से आई, उसके बारे में कोई भी डिटेल निकल कर सामने नहीं आई है। लेकिन इसके बाद क्रुणाल पांड्या कल ट्विटर पर भी ट्रेंड होते हुए नजर आए और अब उनके जो इस केस को एयरपोर्ट कस्टम्स को हैंडल कर दिया गया है। आगे उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी तो देखना होगा कि क्या केस यहां पर क्रुणाल पांड्या के ऊपर सामने निकल कर आता है। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट करके उस टीम का नाम जरूर लिखिए जिसके ऊपर आप लोग रिलीज प्लेयर्स की अगली वीडियो देखना चाहते हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।